51 शक्तिपीठ सिद्ध की शादी इस जगह पे होने का कारण इसका थोड़ा सा महात्म्य सुन लीजिए। निकलते जिसके पुत्र नहीं प्राप्त होते पुत्र। गुड मॉर्निंग, एक नया दिन, नई शुरुआत, और आज चल रहे हैं हम लोग त्रियोगी नारायण, जो कि आपको गुप्त काशी से रास्ता उसका आता है। लगभग आपको 13 किलोमीटर का आप गाड़ी से सफ़र करेंगे, उसका पैदल यात्रा हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी हाइट पे आपको दिखाते हैं, इस साइड में यहाँ बोर्ड लगी हुई है त्रियोगी नारायण ये। तो अभी चलते हैं आगे और त्रियोगी नारायण मंदिर जहाँ से पार्वती जी का शादी हुआ था वही है, तो चलते हैं सीधा वहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर 200 मीटर है, गौड़ी गुफा 2 किलोमीटर है। और इतना ऊपर आने के बाद आपको ये सब मिल जाए, यही काफी है। तो लेते हैं यहाँ पे प्रसाद। अब सुन लो, मैं बता देता हूँ पहले, अगर तुम 100 की ले जाओगे तो ये सारा सामान तुम्हारा घर जाएगा, केवल यहाँ पर चावल छूटेंगे, समझ गए? और 50 की ले जाओगे तो ये 50 की है, देख लो। 100 वाला ले लीजिए खाना। तो थाली वहां से मंदिर से नहीं लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, लोटा भी नहीं लाना, लोटा थाली वहाँ छोड़ देना। मंगलम भगवान, इधर ये मंदिर ना। हाँ चलिए, ले लिए हैं प्रसाद। ये 100 रुपए का थाली है जिसमें ये सारा सामान आ जाता है। 50 रुपए में आपको जो आएगा उसमें ये नारियल नहीं रहता है, बाकी सब कुछ मिल जाता है। चल आ जाएगा, बड़ा ना, चला ना, चला चल, चलिए तब चलते हैं मंदिर। तो ये मंदिर यहाँ का काफी पुराना मंदिर लग रहा है। अब चलते हैं नीचे और लेंगे जल, चूंकि ये लोटा मिला है यहाँ पे जल लेने के लिए, सबका उपयोग यहीं पे हो जाए, कुछ सामान हमको यहाँ से मिल जाएगा प्रसाद के रूप में। चलते हैं हम लोग यहाँ से सीधा आगे। रुद्र कुंड है ये यहाँ। अब चलते हैं ब्रह्म कुंड में हम लोग। पहले सुन लीजिए, यह है त्रियोगी नारायण जहाँ तो आ रखे हैं, इसका थोड़ा सा महात्म्य सुन लीजिएगा। यह है त्रियोगी नारायण। त्रियोगी का नारायण का मतलब इस जगह का नाम क्यों पड़ा? त्रेता युग में भगवान विष्णु का 52 अवतार भाद्रपद की जो चल रहा है, एकादशी को भगवान विष्णु का जन्म यहाँ माँ अदिति के गर्भ से इस जगह पे, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगा था ना, उनका जन्म होने के कारण तीनों लोकों को जीतने वाले जिन भगवान विष्णु का जन्म यहाँ से त्रियुगी नारायण कहा गया। और त्रेता युग में भगवान शिव और पार्वती का जो शादी हुआ, इन्हीं भगवान विष्णु को साक्षी करते हुए राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान गणेश थे ने, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु को साक्षी करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान त्रेता ही युग में इस जगह पे शादी की। इसलिए एक तो तीनों लोगों को जीतने भगवान विष्णु का जन्मस्थली, देवों में प्रथम पूज्य जो है देवादि देवपति शिव की शादी इस जगह पे होने का कारण त्रियुगी नारायण, तीन युगों की जो अखंड अग्नि जो भी वर्तमान में चल रहा है, जिसे धनंजय नाम का अग्नि माना गया है, उसमें शास्त्रों में उसका नाम है धनंजय नाम, उसी धनंजय नाम की अग्नि पे माँ पार्वती ने सप्त फेरे भगवान विष्णु के आगे लिए, इसलिए तीन युग की जो अखंड अग्नि जिसमें शिव और पार्वती ने सप्त फेरे लिए त्रियुगी नारायण। इससे पहले सुना आप प्रश्न करेंगे, भाई शिव जी की तो पहली शादी थी ही भगवान शिव की, राजा दक्ष प्रजापति जो कि मानस पुत्र भगवान ब्रह्मा के प्रथम राजा थे, उनको घमंड था मैं संसार का बहुत बड़ा अधिपत्य राजा हूँ और मेरे अलावा संसार में कोई राजा नहीं है। वो भगवान शिव और शक्ति को समझे तो नहीं थे, जबकि जिस शक्ति से शादी हुई सती से, वो स्वयं उनकी कुल देवी जो है शीतला माता की, जिन्होंने उनकी पत्नी ने बड़ी तपस्या करके शीतला से प्रार्थना की थी कि हे माँ, तुम्हारी जैसी पुत्री मेरे घर में यदि जन्म लेगी तो मैं धन्य होगी। उन्होंने कहा, बेटी मैं तो तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, लेकिन याद रखना
जिस दिन मेरा पति का अपमान इस घर में होगा उस दिन मैं आपकी नपुत्री रहूंगी और आपका विनाश का कारण भी बनेगा। तो अंतोदगता एक बार विश्व कल्याण के लिए राजा दक्ष प्रजापति को यज्ञपति बनाया गया, सारी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने दुर्भ घमंड में जो है शिव और शक्ति को नहीं बुलाया। तो शक्ति को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा हे पिता, तुमने हर देवी देवता नर नारायण हर ऋषि मुनियों को बुला, लेकिन आप देवों के देव जो है शिव को नहीं समझ पाया और मुझे जो सृष्टि की रचिया था मैं स्वयं शक्ति हूँ मुझे नहीं पहचाना, इसलिए मैं आपका यज्ञ विध्वंस करूँगी। तो अंतोदगत जैसे हवन शुरू होता विश्व कल्याण के लिए सती अग्नि में गिर जाती है, तो भगवान शिव जब सती अग्नि में गिरते उनके आधे बदन में जो है आग लगना शुरू कर दिया। अर्धनारीश्वर कहते हैं ना आधा भगवान का शिव का अंग और आधा पार्वती का अंग, इसीलिए अर्धनारीश्वर हो। तो उनको जलन शुरू हो गया, तो उन्होंने अनर्थ हो गया, देखा तो सती अग्नि कुंड में गिरी पड़ी है। उन्होंने लाश अर्ध जली लाश को कंधे में ले लिया और तांडव शुरू कर दिया। भगवान विष्णु जब देखते हैं ये दृश्य तो डर जाते हैं कि सृष्टि का विनाश होगा, इसलिए भगवान को प्रणाम करते कहते हे देवों के देव महादेव, आप सब कुछ जानने के पश्चात भी ऐसा क्रोध मत करो, सृष्टि का विनाश हो जाए, शिव नहीं माने। तो भगवान विष्णु प्रणाम करते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से जो है माँ के अर्ध जले हुए जो भगवान के कंधे में उनके 51 टुकड़े कर देते हैं। जहाँ जहाँ वो माँ के पवित्र अंग गिरते हैं 51 शक्तिपीठ सिद्ध पीठ वही कहलाए। और वहीं पे भविष्यवाणी, हे सती तुम तो अमर अजर हो, तुम तो सृष्टि की रचयिता शक्ति हो, तुम्हारा पुनर्जन्म हिमालय में राजा हिमालय के यहाँ मैना की कोख से जन्म लेगी, गौरव पार्वती कहलाएगी। जैसे ही शिव जो है भगवान कैलाश में तपस्या के लिए आएंगे तो राजा हिमालय इन भगवान विष्णु को साक्षी करते हुए पुत्री पार्वती की शादी इस जगह पर करेंगे, इसीलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण पड़ा। और जो ये चावल लाए हैं आप सुनिएगा, ये चावल साधारण पूजा में तो इतना चावल पड़ता है, लेकिन इसका स्कंद पुराण केदार पुराण गरुड़ पुराण में पहले आपके बिहार यूपी जो भी आते थे पोटली बांध के अपने घर का नाज वगैरह थोड़ा सी पोटली में बांध के जो भी खेती में होता उसको लेके आते थे, लेकिन अब समय बहुत परिवर्तित हो गया। तो स्कंद पुराण में यह है आप अनभिज्ञ तीर्थों के लिए आप केवल 5 मुट्ठी ही चावलों के साथ यदि माँ को उनकी जहाँ पे शादी हुई विवाह स्थल पर दान करेंगे पुण्य प्राप्त करेंगे 21 पीढ़ियों का उद्धार और आप जिस भावना से भावने परिपूर्ण होती है। यहाँ यही मनोते आज भी ये प्रथा है क्या भगवान के जन्म दिवस पर यहाँ पे डोली निकलती है जिसके पुत्र नहीं प्राप्त होते, पुत्रों की भी प्राप्ति भगवान जिसको देना होता है देता है, ये अभी अभी अगले इस महीने में हो। इसलिए इन चावलों का ये महात्म्य है, इसलिए चावलों का भी मोतियों के बजाय जो है माँ को अर्पित, जैसे बेटी बहू को देते हैं ना आप बेटी बहू पुत्री जो भी है उसी तरह माँ की पूजा उस स्थल पर होती है। यहाँ पे 7 कुंड है सुनिए, ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड नहाने के आपने स्नान तो कर लिया होगा, केवल छीटा ले लीजिए, विष्णु कुंड में आचमन कर लीजिएगा, घर जल ले जाना हो तो उसी जल से। चौथा है सरस्वती धारा पितृतर्पण का, यदि आप पितृतर्पण करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप कहते हैं बद्रीनाथ जा रहे हैं तो ब्रह्म कपाली में पिंडदान और तर्पण का महात्म्य है, बद्रीनाथ में आप वहां कर सकते हैं पिंडदान और तर्पण, वहां का बड़ा महात्म्य है। उसके बाद शिला जहां पे शिव और पार्वती की शादी हुई विवाह स्थान मंडप बेदी जिसे कहते समस्त पूजा वहां पे। अंत में जो है भगवान नारायण लक्ष्मी शिव पार्वती और विष्णु पंचायत के अंदर दर्शन, ठीक दर्शन के आगे भगवान की जहाँ पे अखंड अग्नि है धनंजय नाम की अग्नि, उसमें जहाँ पे माँ पार्वती ने सप्त फेरे एक लकड़िया हवन कर ली। शेष जो है ये छोटा सा महात्म्य मैंने आपको यहाँ के संबंध में बताया। शेष आप बोलो त्रिजी नारायण भगवान की जय। छीटा ले लिया, यदि आप नहीं लेते ना मैं छीट जाऊंगा। सीता ले लिया जाए, यह ब्रह्म कुंड, चलते हैं आगे, बाकी जानकारी तो आपने ले ही लिया, चलिए अब ले लेते हैं यहाँ से अपना जल, अब भरते हैं यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं।
यहाँ रुद्र कुंड है, विष्णु कुंड है, और यहाँ कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ये सरस्वती कुंड पिंड दान, उससे आगे सरस्वती धारा, विष्णु कुंड करो, एक रुपए, दो रुपए, पचास पैसे आके तो जाके कोई नहीं आया काका। नहीं नहीं अभी आ रहे हैं, अभी आके देख कर ही जाएंगे, हमारा डेली का यही काम है। ठीक है, आप दे दीजिए ना, पहले अति कीजिए फुल लला पूरा। यहाँ से जल लिया जाएगा इस कुंड से, तो जल ले लेते हैं, मोबाइल को रखते हैं पॉकेट में। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं त्रेता युग से जो हवन कुंड जलता हुआ आ रहा है, सो यहाँ से अगर आपको दिख जाए ये, तो फाइनली कि हम लोगों का पूजा हो गया संपन्न। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, काफ़ी बढ़िया से दर्शन हो गया है और पूजा भी हम लोग करवा लिए, अब यहाँ से निकलते हैं, तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड।